हेलो एवरी वन दिस इज़ सरवत रशी फ्रॉम ट्रिपल एस राइट बैक विद अ न्यू सेशन ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री ऑफ जम्मू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो uh, जितना भी एम सी क्यूज़ या जितने भी डाउट्स uh, थे हमारे पुराने लेक्चर्स को लेकर के यानी कि कश्मीर की हिस्ट्री पर जितने भी डाउट्स थे उनको डिस्कस किया था वहाँ पर सेकेंड जो एम था जिसमें मैंने कहा था कि लास्ट रूलर ऑफ़ गुप्ता डायनेस्टी कौन था तो लास्ट रूलर का मैंने ऑप्शन जो है ऑप्शंस में मैंने क्वीन दिदा के बारे में नहीं लिखा था क्वीन दिदा का नाम मेंशन नहीं किया था तो गुप्ता डायनेस्टी की जो लास्ट रूलर थी वो क्वीन दिदा थी जिन्होंने लगभग 20 साल से ज़्यादा जो है कश्मीर में रूल किया है और उन्हें कैथरीन ऑफ कश्मीर के नाम से कैथरीन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है उसके अलावा जो वनिता देव हैं जो कि मैंने ऑप्शन में मेंशन कर दिया था गलती से वो करेक्शन है उसे आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा वनीता देव जो है वो लास्ट रूलर थे ऑफ लुहारा डायनेस्टी ठीक है उसके बाद अब अभी तक हमने सिख रूल तक जितना भी कश्मीर में कैसे सिख रूल आया ठीक है कैसे हिंदू रूल जो है कश्मीर से ख़त्म हुआ और कैसे मुस्लिम्स का राइज़ हुआ और फिर उसके बाद कैसे सिक्स जो है कश्मीर के अंदर आए वो हम लोग एक सीक्वेंस uh, में एक क्रोनोलॉजी में पढ़कर आ चुके हैं यहाँ पर अभी हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ़ जम्मू फिर हम हिस्ट्री ऑफ़ जम्मू को लेकर के चलेंगे सिख रूल्स तक और उसके बाद कश्मीर और जम्मू यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट की फॉर्म में एक प्रिंसली स्टेट जब बन जाएगी उसके आगे हम अपनी हिस्ट्री को एक साथ में लेकर के चलेंगे यानी कि जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री को हम साथ में पढ़ेंगे तो गाइज अभी आ, आ, हम लोगों ने स्टार्ट करना है जम्मू की हिस्ट्री को तो लेट्स गेट स्टार्ट ठीक है यस डू सब्सक्राइब और चैनल ट्रिपल एस एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर और वीडियोज़ और हाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती थी एक गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए कि uh, जितने भी देखिए सबसे पहले तो मैं प्रायोरिटाइज़ यही करूँगी कि आप लोग uh, को जो यहाँ पर हमारे ट्रिपल एस चैनल पर जितनी भी लेक्चर जितने भी वीडियोस हैं या जितने भी पी डी एफ्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं आप हमारे इंस्टाग्राम uh, चैनल को सब्सक्राइब uh, कर लें हमारे uh, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमारी जितनी भी वीडियोस जितने भी लेक्चर्स या जितने भी पी हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है इससे अच्छा देखो जितना भी आप ऑनलाइन पढ़ लो या जितना भी आप ट्यूशन्स में जा करके के ऑफलाइन भी पढ़ लो एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है इन जगहों से सिर्फ आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल सकती है एक ब्लू मिल सकता है कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ना खुद ही होता है लेकिन फिर भी आई डोंट नो क्यों लोग जो है वो पेड uh, कोर्सेज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं या प्रेफ़र करते हैं स्टिल अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को पेड कोर्स की तरफ जाना है हम लोगों का ऑलिव बोर्ड के साथ जो है आप uh, अपना पेड कोर्स जो है वहाँ से ले सकते हैं वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी फैकल्टी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस जो है लोग वहाँ पर आप लोगों को जितना भी आपका जेके का सिलेबस है इन दिस सेकेंड फ़ेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट आप लोग वहाँ से जा कर के पेड कोर्स ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि पेड कोर्स में कुछ ज़्यादा पढ़ाया जाता है तो आप लोग वहाँ पे आपको 1500 के अंदर अंदर या 1500 से कम ही में जितना भी आपका पी डी एफ्स सॉरी पी डी एफ तो नहीं बल्कि लेकिन नोट्स जो हैं प्लस आपको जितने भी आपके लेक्चर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंसड फैकल्टी से वहाँ से मिल सकते हैं अदरवाइज़ आप लोगों के लिए ट्रिपल एस जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं कोई पैसा नहीं लग रहा है आप लोगों को तो आई थिंक आप लोगों को यही प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से आप लोग एक आइडिया uh, लेकर के अपनी पढ़ाई जो है खुद कर सकते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस इज़ अ हिस्ट्री ऑफ जम्मू देखो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कश्मीर जो है राज तिरंगनी से कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है जम्मू की जो हिस्ट्री है ये पर्टिकुलर किसी सोर्स से नहीं मिलती है कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है जिसके अंदर जम्मू की हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में बताया गया हो हमारे पास राज तिरंगनी सॉरी राजदर्शनी एक किताब है जो कि जिसे दीवान कृपा राम ने लिखा था ये मैं आपको बता चुकी हूँ सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के लेक्चर में मैंने आपको बताया था दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला जो लेक्चर था उसमें मैं आपको सोर्सेज के बारे में बता चुकी हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि राजदर्शनी जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है ठीक है उसके बाद गुलाबनामा थी एक किताब आप बताओ गिला गुलाबनामा किसने लिखा हम इन सोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं अब ऐसा है कि जम्मू की जो क्रोनोलॉजिकली जो कोई भी हिस्ट्री है वो नहीं नाउन नहीं है कहीं पाई नहीं जाती है कुछ कुछ पार्ट्स में है कभी एक डायनेस्टी के बारे में बताया गया है फिर कुछ टाइम ब्लैंक है फिर कुछ पार्ट्स के बारे में बताया गया है कहा जाता है कि कश्मीर देखो सबसे पहले तो जम्मू का नाम आया कहाँ से कुछ स्टोरीज़ रिलेटेड हैं जैसे कुछ सोर्सेज में कहा जाता है कि एक कश्मीरी ब्राह्मण्स थे कश्मीर के अंदर एक ब्राह्मण सेक्ट था जम्मू नाम से वो लोग यहाँ शिवालिक रेंजेज़ में आकर के सेटल हुए उन्हीं के नाम पे यहाँ का नाम पड़ गया जम्मू मर्क और फिर वहाँ से पड़ गया इसका नाम जम्मू ठीक है ऐसा कुछ कुछ सोर्सेज में कहा जाता है अदरवाइज़ जो यहाँ पर इसको जम्मू जाम्बू परस्थान भी कहा, भी कहा जाता है या फिर जाम्बू भी कहा जाता है या जम्मू जाम्बूपुरा भी कहा जाता है ये मैं आपको बताऊँगी आगे जाम्बू के नाम पर जम्मू पड़ा था और फिर वहाँ से जम्मू का नाम आया ये स्टोरी मैं आपको यहाँ चल के बताती हूँ आगे चल के तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है देखो अग्निगर्भ नाम का एक इंसान था एक अग्निगर्भ नाम के एक इंसान थे जो कि ओपा के रहने वाले थे यानी कि अयोध्या को ओपा कहा जाता था तो अयोध्या के रहने वाले थे वो रघुवंश डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ठीक है रघुवंश को रघुवंश थे वो और उसके साथ साथ वो लॉर्ड राम के डिसेंडेंट थे यानी कि लॉर्ड राम की लाइन से थे उनके डिसेंडेंट थे अग्निगर्भ जो थे ये अयोध्या से कहाँ पर आए पंजाब में आए अपने वहाँ पर कुछ लोगों के साथ वहाँ पर रहने आए और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि पंजाब से ये लोग कांगड़ा की तरफ आते हैं और कांगड़ा में आकर कांगड़ा का जो राजा है उसको पता चलता है कि कोई रघुवंश डायनेस्टी का कोई इंसान जो कि अयोध्या से आया है और वो लॉर्ड राम का डिसेंडेंट है वो यहाँ पर आकर रह रहा है तो वो जो किंग ऑफ कांगरा है उसको इस बारे में पता चलता है और वो क्या करता है वो इन्हें अपनी बेटी अपने लिए एक ब्लेसिंग समझ के एक तरह से अपने लिए उनको खुशी से अपनी बेटी जो है उन्हें ऑफर करता है इन मैरिज शादी करवाने के लिए उनके साथ अपनी बेटी की शादी करवाता है प्लस उनको कुछ जो लैंड है कुछ एरिया जो है उनको ऑफर करता है अभी अग्निगर्भ क्या करते हैं ये अपने यहाँ पे नगर कोट में आकर के रहते हैं नगर कोट हमारे ये हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वगैरह वा वाला एरिया जो है वहाँ वहाँ तक आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे कठुआ तक अपनी जो है अग्निगर्भ क्या करते हैं टेरिटरी को एक्सटेंड करते हैं और फाइनली अपने आप को एज अ किंग जो है क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं इनके बाद क्या होता है कि इनकी बेटी इनका बेटा जिसका नाम है भायु शर्भा वो आते हैं रूल करते हैं इनकी डेथ के बाद और भायु शर्भा जो है अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सटेंड करते हैं अप टू उज उज तक आते हैं ठीक है और उसके बाद क्या होता है फिर उनका बेटा पारमित्र आता है फिर उसके बाद राजा अग, अगवि गर्भ सेकंड जो है वो आते हैं और वो क्या करते हैं तवी तक अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सटेंड करते हैं ठीक है तो इस तरह से क्या होता है धीरे 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 ये लोग ये जो राजा हैं ये जम्मू के अंदर धीरे धीरे पहुंचते हैं फिर अग, अग्निगर्भ जो है इनके आगे जो है इनके अग्निगर्भ सेकंड, ठीक है इनके क्या है आगे अठारह बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा है बाहुलोचन अब बाहुलोचन कौन है बाहुलोचन क्या करते हैं कि अपनी कैपिटल धार नगरी में बनाते हैं और इसके साथ साथ बाहु फोर्ट जो है इन्होंने इनके नाम पर बनता है यानी कि बाहू लोचन के नाम पे बनता है बाहू फोर्ट अब बाहू फोर्ट कहाँ पे ये तो सबको पता है और बावे वाली माता जो है इनके बारे में भी आप सबने सुना ही होगा आप मुझे बताएं बावे वाली माता या बाहू फोर्ट में जो टेंपल है वहाँ पे जो गॉड या गॉडेस जो है वो कौन से गॉडेस या कौन से गॉड गॉडेस को ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है आप मुझे से कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है उसके बाद क्या होता है बाहुलोचन की एक बैटल में डेथ हो जाती है और फिर उनका बाही भाई, भाई जो है जाम्बुलोचन वो आता है और यही जाम्बुलोचन है जिनके नाम पर जम्मू जो है फ़ाउंड हुआ या जम्मू फाउंड जम्मू जो टाउन है वो फाउंड हुआ था आपने सुनी होगी वो स्टोरी टाइगर एंड गोट वाली वेल नाउन के जम्मू के अंदर वो लोग टाइगर एंड गोट एक ही जगह से पानी पी रहे थे एंड ही फाउंडेड वेरी पीसफुल होने लगा कि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा पीस यहाँ का पानी बहुत अच्छा है और यहाँ की ये काफ़ी पीसफुल इन्वामेंट है तो उन्होंने अपनी कैपिटल जो है जम्मू के अंदर ही आ के उसको जम्मू को ही अपना टाउन बना दिया और फिर इनके नाम पर इसका नाम पड़ गया जाम्बूपुरा और फिर जम्बूपुरा से बन गया क्या जम्मू ठीक है और जम्मू से धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया जम्मू तो यहाँ आके हमारी ये जो फिर इसके बाद जाम्बूलोचन ठीक है जाम्बूलोचन के बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं पूरनकरण ठीक है पूनकरण के बाद आते हैं धर्मकरण फिर अग्निकरण फिर शक्तिकरण ठीक है और धीरे धीरे फिर शक्तिकरण के बाद हमारे पास देखो यहाँ पे आ गया ये रहा हमारे यहाँ पे आ गया शक्तिकरण अग्निकरण दिन शक्तिकरण ये शक्तिकरण इंपॉर्टेंट है ठीक है ये सारे क्या एक एक एक, एक करके रूलर्स अब इनके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना कोई मैंशन uh, इतना कोई काम भी इनका कोई इतना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है शक्तिकरण इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि शक्तिकरण ने जो है डोगरा स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था ठीक है ये क्वेश्चन बन सकता है दिस कुड बी अ क्वेश्चन फॉर यू के एग्जामिनेशन किसी भी एग्ज़ाम में कि शक्तिकरण ने या डोगरी डोगरा जो स्क्रिप्ट है वो किसने फाउंड uh, किया था किसने इंट्रोड्यूस किया था तो इन्होंने जो है डोगरी uh, स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था प्लस इनको राजशास्त्री भी कहा जाता है ठीक है ही वेल एडुकेटड इंसान काफ़ी पढ़े लिखे थे काफ़ी ही हैड नॉलेज ऑफ शास्त्र एंड ऑल दैट तो ही इनको राज शास्त्री भी कहा जाता है फिर इसी तरह से बहुत सारे रूलर्स आए और लास्ट रूलर जो हमारे इस रघुवंश जो डायनेस्टी का या जो ये राजा अग्निगर्भ के जो आगे चल रहा था ये जो डिसेंडेंट्स थे इनमें जो लास्ट रूलर था ये बाली बरन था ठीक है ही वाज़ द लास्ट रूलर फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक खाली पीरियड रहा और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डायनेस्टी जो कि राजा बोध अर्जुन के नाम से स्टार्ट होती है अब राजा बौध अर्जुन एक काफ़ी पैशनेट रूलर हैं काफ़ी ग्रेट रिलेशन्स हैं इनके जितने भी आगे पीछे के रूलर्स हैं साउथ में ईस्ट में वेस्ट में हर जगह इनके काफ़ी अच्छा रिलेशन है ठीक है काफ़ी अपनी वेलफेयर के लिए काम करते हैं अपने सब्जेक्ट्स के और इनकी जो डायनेस्टी है इसने लगभग साढ़े तीन सौ साल से भी ज़्यादा थ्री सिक्सटी अराउंड थ्री सिक्सटी ईयर्स इन्होंने जो है जम्मू के अंदर रूल किया इसके बाद जो है इसमें इनके बाद इम्पोर्टेंट रूलर है राजा वल्लभ फिर है भानुजाग फिर भूमदात फिर धमोदरदात दात अजय सिंह प्रिजो सिंह देन देव गुप्ता राम गुप्ता चंद्र गुप्ता नंद गुप्ता और फिर आकर के ये वाली जो हमारी राजा बोधर्जन की डायनेस्टी भी खत्म हुई और इसके बाद जो है हमारी इसके हाँ तो ये इसके बाद हमारी आ जाती है राय डायनेस्टी ठीक है अभी राय डायनेस्टी के बारे में मैं आपको बताती हूँ राय uh, डायनेस्टी जो है हमारी स्टार्ट होती है आदि राय के साथ देखो ये जितने भी नाम है ना ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है कुछ कुछ पॉइंट्स है जैसे अब ये डोगरा स्क्रिप्ट किसने लाया है दैट्स इम्पोर्टेंट ठीक है राजा रामभू लोचन इंपॉर्टेंट है कि इनका जम्मू का फाउंड जो टाउन है ये फ़ाउंड किसने किया था किसके नाम पर है ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राय डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर हैं आदि राय उसके बाद जो है उनके बाद आते हैं देव राय देव राय इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि इस टाइम पे हमारे सेंट uh, एंड्रयू जो है इन्होंने यहाँ पर विजिट किया था जम्मू के अंदर ठीक है ये इम्पोर्टेंट है पढ़ना क्योंकि पूछते हैं कभी कभी कि कोई ट्रेवलर या कोई भी फ़ॉरनर uh, अगर यहाँ पे विजिट कर रहा है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है तो सेंट एंड्रयू जो है उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके बाद फिर इम्पॉ इसके बाद आ जाते हैं देव राय के बाद जोगी राय और जोगी राय जो है हमारे लास्ट रूलर हो जाते हैं राय डायनेस्टी के फिर इनका बेटा आ जाता है सूरजधर सूरजधर जो है वो अपने नाम के साथ जो उसके हाँ अपने नाम का जो उनके नाम का सरनेम है सरनेम के साथ वो स्टार्ट करते हैं अपनी डायनेस्टी को यानी कि सूरजधर के नाम से पड़ता है धर डायनेस्टी जो कि फोर थर्टी से लेके एट फोर्टी तक जो है जम्मू के अंदर रूल करती है और फिर उसमें जो है हमारे पास आ जाती है गंगाधर सरभधर आम सरबादर या सर्ब, सर्ब लंदार भी इनको बोला जाता है कुछ कुछ टेक्स्ट में इन्होंने भी सेवन सिक्सटी फाइव से लेकर एट हंड्रेड वन तक जो है रूल किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस दिमाग में बिठाने के लिए रख लो इन्होंने इस वक्त तक रूल किया है यहाँ पर और इस टाइम पर जो है हमारे पी रोशन वली जो है पी रोशन वली जो कि अरब से यहाँ पर आए वो सरब के टाइम पर आए थे अब ये पी रोशन वली जो है ये अरब से यहाँ पर पहुँचे और अभी जो है यही इस इज़ बेरड इन घुमब घुमबट गेट जो आपको पता है गुम्बट वाली जियारत या काफ़ी ज़्यादा वेल नाउन है वहाँ पर जो है ये पी रोशन वली वहाँ पर अभी मतपूना है या फिर वहाँ पर ही इज़ बेरड देयर ठीक है और उसके बाद इनका जो लास्ट रूलर धर डाइनेस्टी का है वो है वजर ठीक है वजर जो है यहाँ से क्या होता है ये चला जाता है बबर बबर यानी कि अखनूर में चला जाता है और फिर इनके बाद आता है यहाँ पर कौन इनका बेटा सूरज देव अब सूरज देव क्या करता है कि अपना नाम देव नाम से अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट करता है यानी कि देव डायनेस्टी होती है सूरज देव के नाम से यानी कि उनके सर नेम से ठीक है सूरज देव यहाँ पे सूरज देव के बाद आते हैं राजा भिज देव अवतार देव जसदेव संग्राम देव ठीक है और उसके बाद आ जाता है अवतार देव जसदेव ठीक है और उसके बाद संग्राम देव अब उसके बाद हाँ एक चीज़ और जसदेव वो है जिनके नाम पे जसरोटा जो सिटी है ये बनी है जसदेव के नाम पे ठीक है जसरोटा जो है ये इनके नाम पे मैं आप मुझे बताओ जसरोटा कहाँ पर है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की आप मुझे बताओगे ठीक है आ, उसके बाद संग्राम देव है संग्राम देव के बाद देव है ठीक है ब्रिजदेव के बाद जो है नरिंग देव है अर्जुन देव है फिर जोध देव है फिर मालदेव है अब देखो मालदेव जो है मालदेव लगभग थर्टीन फिफ्टी सेवन का टाइम था ये जब मालदेव रूल कर रहे थे देव डायनेस्टी जब चल रही थी और ये मालदेव इम्पॉर्टेंट है देव डायनेस्टी से क्योंकि इन्होंने क्या किया है काफ़ी ज़्यादा इकोनमी को बूस्ट किया है जम्मू की काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हमारी पुरानी मंडी जो जम्मू के अंदर है जिसे माल मंडी भी कहा जाता था या अभी भी कहते हैं पुरानी मंडी जो है ये इनके यहाँ पर मालदेव के टाइम से बनी है और इन्हीं के टाइम पे तैमूर ने जो है इंडिया को इन्वेट किया जम्मू को हाँ इंडिया को इन्वेट किया था और हाँ एक और चीज़ में एक और चीज़ बताऊँ ये गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू जाना जाता है ये जो मालदेव का टाइम है और हाँ एक और चीज़ अब मैं बताती हूँ कश्मीर में हमने पढ़ा था राइज़ ऑफ मुस्लिम्स ठीक है मुस्लिम रूल का कैसे राइज़ हुआ वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था शाह मीर डाइनेस्टी के टाइम पे तो ये मालदेव वाला जो टाइम है वही टाइम है जब कश्मीर के अंदर शाह मीर डायनेस्टी जो है रूल कर रही थी ठीक है अब इसको साथ साथ लेकर के चलो कश्मीर में शाह मीर डायनेस्टी चल रही है और जम्मू में मालदेव जो है रूल कर रहे हैं फिर उसके बाद आ जाते हैं हमीर देव हमीर देव के बाद जो है अजय देव अजय देव या फिर अजायब देव अजायब देव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अजायब देव के टाइम पे क्या हुआ सैयद कुतुब आलिम जो है ठीक है सैयद कुतुब आलिम जो है ये जो है इन्होंने ये जम्मू में थे और इनके टाइम पे ही इन्होंने जम्मू में ये आए थे और वहाँ पे सेटल हुए थे और उसके बाद वहीं पे इन्होंने अपनी मेडिटेशंस और जितनी भी दुआएं प्रेयर्स वगैरह जम्मू में आकर के इन्होंने इस्लाम को भी काफ़ी लाया और अभी ये जो है पीर मिठा में जो इन बैरी किए गए हैं ठीक है उसके बाद जो है जोगी गर सॉरी इनका नाम हाँ जोगी गरीब दास ठीक है जोगी गरीब दास जो है या गरीब नाथ जोगी इनको कहा जाता है ये जम्मू में उस टाइम पे हुए थे इस टाइम पर इन ये जम्मू में रहा करते थे ये काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स किया करते थे जमवंत केव के अंदर ठीक है अभी जमवंत केव क्या है जमवंत केव जो है ये बियर गॉड से बिलोंग करता है क्योंकि बियर गॉड ने यहाँ पे जो कि महाभारत में उनको मेंशन किया गया था और महाभारत में बियर गॉड के बारे में बात की गई है उन्होंने बियर गॉड ने यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशंस की हैं तो ये पी इसको जो है पीर खो के नाम से भी जाना जाता है अब आप मुझे ये बताओ ये जो पीर खो है हाँ इसका माना जाता है कि इस केव के अंदर काफ़ी सारे और भी केव्स का रास्ता है काफ़ी मंदिरों का रास्ता है इसके अंदर से और सारे काफ़ी केव्स जो है अंदर ही अंदर कनेक्टेड हैं ठीक है और आप मुझे बताओ कि ये जो पीर खो है ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है ठीक है कौन से गॉड को डेडिकेटेड है आप मुझे ये बताओगे देन वी हैव बैरम देव इसके बाद बैरम देव हैं बैरम देव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ही वॉज़ नाउन टू बी वेरी हैंसम ये काफ़ी हैंसम हुआ करते थे और इनके टाइम पर इब्राहिम लोधी जो थे वो दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रहे थे वहाँ पर इब्राहिम लोधी का रूल था और उन्होंने क्या किया जब सुना कि बैरम देव के बारे में कि ही वेरी हैंसम और काफ़ी कैपेबल हैं तो इब्राहिम लोधी ने इनको वहाँ पर इन्वाइट किया जब ये वहाँ गए तो उन्होंने अपनी बेटी को जो है इन्हें ऑफ़र किया कि इससे शादी कर लो लेकिन कंडीशन ये रखी कि आपको इस्लाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन ये जो है ये ऐसा चाहते नहीं थे बैरम देव को इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करना था ना ही इनको उनको ऑफ़र पसंद था तो ये वहाँ से निकलना चाहते थे तो उस वक्त इनके जो मामू हैं हासिल देव इनके इनके कल इनका जो हाँ इनके अंकल थे ठीक है उन्होंने क्या किया हासिल देव ने इनको किसी तरह से वहाँ से बचाया और इनको वहाँ से बड़ी मुश्किल से इब्राहिम लोदी के वहाँ से निकाला और खुद जो थे ये पकड़े गए हासिल देव जो थे खुद पकड़े गए और वहाँ पे ही वॉज इम्प्रेजेंट और लास्ट पे इनको मार दिया गया ठीक है तो भैरम देव इज़ वेरी लाइक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है बट हाँ एक फैक्ट है एक इंटरेस्टिंग uh, चीज़ इनके साथ जुड़ी है तो मैंने बता दिया फिर इसके बाद आते हैं गोगर देव देन वी हैव संग्राम देव संग्राम देव का टाइम वो टाइम है जब कश्मीर के अंदर जहांगीर जो हैं आ चुके थे यानी कि कश्मीर के अंदर उस टाइम पे मुग़ल रूल चल रहा था यानी गोगर देव के टाइम से ही कश्मीर के अंदर मुग़ल रूल स्टार्ट हो गया ठीक है शाहमीर के बाद मीर डायनेस्टी में जैनिदीन थे फिर जैनिदीन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था धीरे 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 डायनेस्टी जो है ख़त्म हुई और मुगल्स आ गए तो वहाँ पर मुगल्स कश्मीर के अंदर मुगल्स और जम्मू के अंदर संग्राम देव गोगर देव वगैरह का टाइम था फिर वी हैव संग्राम देव हाँ संग्राम देव इज़ वेरी पर्सनल टू लाइक ही हैज़ पर्सनल रिलेशन टू विद जहांगीर ठीक है उसके काफ़ी जहांगीर के साथ अच्छे कनेक्शन्स थे देन वी हैव भूपट देव उसके बाद हरी देव ठीक है हरी देव के टाइम पे औरंगजेब का रूल था कश्मीर के अंदर देन वी हैव ध्रुव देव एंड ध्रुव देव के बाद आ जाते हैं हमारे महाराजा रंजीत देव महाराजा रंजीत देव जो है काफ़ी सेवन uh, ट्वेंटी फाइव में आते हैं कश्मीर के अंदर सेवनटीन एटी वन तक रूल करते हैं इन्होंने काफ़ी सारे काम किए पहले इनको जो है मुगल uh, रूलर uh, जो वन सेकेंड हाँ मुगल रूलर जो हमारे uh, उन्होंने मुगल्स ने इनको इम्प्रजेंट uh, कर लिया था लेकिन फिर उसके बाद इनको जब छोड़ा तो ये कश्मीर में जम्मू में जब ये रूल करने लगे इन्होंने रूल सेवनटीन एटी तक इन्होंने एटी वन एटी तक रूल किया और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इक्वली मुस्लिम वगैरह मुस्लिम हिंदू कोई भी रिलीजन के लोगों को इक्वली लेकर के चले और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल टाइम रहा और इन्होंने सतीक बैन कर दिया था इनके जो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे पोइट्री वगैरह में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था ठीक है तो इनके कोर्ट पोइट थे पंडित देवदत्त जो थे इनके कोर्ट पोएट थे और ये इनके जो इन्होंने ही क्या किया था कुछ पार्ट जो है महाभारत का उसको हिंदी में कन्वर्ट किया था ठीक है पंडित देवदत्त ने ठीक फिर इसके बाद आते हैं हाँ रंजीत देव के बारे में मैंने आपको बताया था रंजीत देव के टाइम पे क्या था कश्मीर के अंदर अफ़ग़ान रूल चल रहा था ठीक है कश्मीर के अंदर अफ़ग़ान रूल चल रहा था और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक गवर्नर था अफ़ग़ान गवर्नर करीम दाद याद होगा आप लोगों को ठीक है करीम दाद जब रूल कर रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ गलत किया था लोगों को मारता था वो अपने प्लेजर के लिए भी लोगों को आ, मारता था तो उस टाइम पे ये रंजीत देव जो हैं जम्मू के रूलर इन्होंने वहाँ पर कश्मीर के अंदर अटैक किया और कश्मीर को लोगों को बचाने की हेल्प करने की कोशिश की लेकिन करीम दाद की आर्मी ने रंजीत देव को बनिहाल में ही जो है वहाँ से ही इनको रिपल्स कर दिया वहाँ से इनको वापस कर दिया था ठीक है अब ये देखो रंजीत सिंह और रंजीत देव में कन्फ्यूजन मत रखना रंजीत सिंह जो है वो लाहौर पंजाब से बिलोंग करते हैं वो एक अलग रूलर है और रंजीत देव जो है वो जम्मू के रूलर हैं अब रंजीत देव के बाद क्या होता है फिर आते हैं ब्रिज देव ब्रिज देव के टाइम पे क्या होता है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा जम्मू के अंदर अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं इकॉनमी बहुत स्लो हो जाती है काफ़ी स्लो डाउन होती है रंजीत देव के टाइम पे अच्छा टाइम था लेकिन ब्रिज देव के टाइम पे इकोनॉमी काफ़ी स्लो हो जाती है काफ़ी बुरा होने लगता है तो उस वक्त क्या होता है कि जर्नल मियाँ मोटा एक काफ़ी वेल नाउन जर्नल हैं वो क्या करते हैं कश्मीर जम्मू को सेव करते हैं मतलब जम्मू में जम्मू की हिफाजत करते हैं काफ़ी अच्छे वॉरियर बन के निकलते हैं और जम्मू को बचा लेते हैं बाहर के रूल से लेकिन ब्रजदेव जो है वो मारे जाते हैं तो उसके बाद आ जाते हैं संपूर्ण देव सम्पूर्ण देव जम्मू में आते हैं सेवनटीन में और लगभग दस साल के लिए रूल करते हैं जम्मू के अंदर और फिर उसके बाद आते हैं हमारे जीत सिंह और जीत सिंह बनते हैं हमारी इस देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर ठीक है यहाँ पे होती है हमारी देव डायनेस्टी ख़त्म और फिर स्टार्ट हो जाती है हमारी इसके बाद देव डायनेस्टी ख़त्म सॉरी ए वन सेकेंड या राइट देव डायनेस्टी ख़त्म होती है और फिर क्या होता है कि जीत सिंह के बाद क्या होता है हमारे जम्मू के अंदर सिक्स जो है उनका आ, वो यहाँ पर अटैक करते हैं सिक्स यहाँ पे बैटल ऑफ जम्मू होती है यानी कि घुमट बैटल भी इसको कहा जाता है घुमट वॉर कहा जाता है जो कि एटीन हंड्रेड एंड एट में हुई थी उस वक्त क्या होता है कि ये राजपूत ऑफ जम्मू के बीच में और सिक्स के बीच में होती है ठीक है राजपूत ऑफ जम्मू और सिक्स ऑफ पंजाब के बीच में होती है सिक्स ऑफ पंजाब यानी कि रंजीत सिंह एंड ऑल ठीक है लाहौर दरबार वाले उनके बीच में आर्मी होती उनकी आर्मी में होती है और राजपूत जो है इसमें हार जाते हैं जब राजपूत हारते हैं उस टाइम पे गुलाब सिंह एक हाँ गुलाब सिंह इस आर्मी इस टाइम पे इस वॉर के टाइम पे काफ़ी अच्छे वॉरियर बनकर के निकलते हैं जब इनके बारे में पता चलता है कि इसको रंजीत सिंह को के काफ़ी अच्छा रूलर है गुलाब सिंह सॉरी एक अच्छा वॉरियर है तो वो गुलाब सिंह को क्या करते हैं अपॉइंट कर लेते हैं अपना कमांडिंग ऑफिसर और इसके बाद क्या होता है गुलाब सिंह उनके लिए जम्मू में काम करना शुरू हो जाते हैं ठीक है अब क्या होता है लोग जब उनके खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाते हैं जम्मू क्योंकि अभी सिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रूल करना शुरू हो गया आफ्टर दिस जम्मू वरी वॉर ये जम्मू बैटल ऑफ जम्मू या गुमत वॉर के बाद जो है सिक्स ने यहाँ पर रूल करना शुरू किया गुलाब सिंह जो है उनके अपॉइंटेड रहते हैं यहाँ पर एज अ कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पे जम्मू में रहते हैं तो जम्मू के लोग जो है जम्मू के डोगराज प्लस ये लोग जितने भी हैं ये इनके अगेंस्ट हो जाते हैं सिक्स के अगेंस्ट तो मियाँ डिडो जो है एक यहाँ पे इनको लीड करके क्या करते हैं मियाँ डिडो निकलते हैं बाहर इन लोगों की सपोर्ट में और ये सारे लोग इनकी हेल्प से क्या करते हैं इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं किसके अगेंस्ट सिक्स के अगेंस्ट तो सिक्स क्या करते हैं वहाँ से गुलाब सिंह को इनके साथ लड़ाई करने के लिए छोड़ देते हैं या यू कैन से कि गुलाब सिंह को इनके अपोजिशन में खड़ा करते हैं और इनकी जो है इनकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जो है मियाँ डिडो जो है मारे जाते हैं और गुलाब सिंह जो है काफ़ी अच्छा काम करते हैं तो रंजीत सिंह इनको क्या करते हैं बदले में जम्मू की जागीर दे देते हैं यानी कि उसके बाद जम्मू इनके हवाले कर देते हैं और फिर गुलाब सिंह क्या करते हैं आस्ता आस्ता पुंछ रियासी लद्दाख बल्तिस्तान रजौरी वगैरह वगैरह एरियाज़ को कॉनक्यूअर करते हैं और इसी तरह से जो गुलाब सिंह को रंजीत सिंह जो हैं राजा का टाइटल देते हैं और ये बन जाते हैं राजा गुलाब सिंह ठीक है फिर धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे लगभग अट्ठारह सौ सिक्स में एटीन फोर्टी सिक्स में महाराजा जो है रंजीत सिंह यानी कि उनके बाद जो है सिख हमारी एंग्लो सिख वॉर हो जाती है लगभग 1845-46 के बीच में और उसमें सिक्स हार जाते हैं और फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिक्स से जम्मू कश्मीर को जो है लेकर के वो किसके हवाले कर देती है जम्मू के सॉरी गुलाब सिंह के हवाले कर देती है यानी कि राजा तो वो ऑलरेडी बन चुके होते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कश्मीर भी उनके पास आ जाता है और फिर इस तरह से हमारे जम्मू एंड कश्मीर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिंसली स्टेट जो है बन सामने आती है और जो राजा गुलाब सिंह हैं वो यहाँ के पहले रूलर बन जाते हैं प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तो गाइज़ ये थी हमारी जम्मू की हिस्ट्री जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं अभी इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा डोगरा रूल वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी हाँ हिस्ट्री पढ़ने का ये फ़ायदा आपको जरूर हो जाता है कि आपकी जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ये कवर हो जाते हैं उसके साथ साथ आप लोगों के माइंड में जो है चीज़ें बैठ जाती है कि किस तरह से जम्मू की हिस्ट्री चल रही है और किस तरह से कश्मीर की हिस्ट्री चल रही है और कैसे जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट की फॉर्म में आए तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डोगरा रूल के बारे में और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपनी हिस्ट्री के पोर्शन को ख़त्म करेंगे सो गाइज थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ साथ हमारी वीडियोज़ को प्रमोट करें शेयर करें और साथ साथ इनमें लाइक ज़रूर करें थैंक यू सो मच